पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक विवाहिता ने ही अपने ससुरालियों पर जहर देने का आरोप लगाया है। विवाहिता फिलहाल अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग से जूझ रही है। परिवार के लोगों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और ससुरालियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल विवाहिता परवीन का निकाह जिला रामपुर के जाने आलम के साथ 5 महीने पहले पूरे मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुआ था। विवाहिता परवीन ने आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोगों ने लगातार उस पर दहेज लाने का दबाव बनाया और जब ऐसा नहीं किया गया तो उसे टॉर्चर किया गया। विवाहिता के परिजनों का आरोप है कि एक दिन पहले ही जाने आलम घर आया और उसकी बेटी को ले गया, जिसके बाद अगले दिन सुबह 7 बजे साजिशन उसे जहर का पानी पिला दिया गया, जिसे पीकर उसकी हालत बिगड़ गई और अनफानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां से उसे मुरादाबाद रेफर किया गया है। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाते हुए ससुराल पक्ष के लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? अच्छा बताइए, क्या हुआ था? क्या हुआ था? लड़ाई हुई थी पहले। पहले तो मारा खूब मुझे, जितने शादी हुई लड़ाई करते, 10 लाख रुपये मांगते, फिर के नाम मार के सब ने मीटिंग करके पहले चीज़ छीन ली सब, इससे मेरे घर की भी वहाँ की भी सब चीज़ छीन के फिर मुझे जहर दिया सब ने मिलकर। कौन कौन था उस टाइम? सास भी, ससुर भी, नंद भी, जेठ भी और वो भी आदमी भी। एक बार चक्कू से हमला करा पेट पे। आपका? अच्छा बताइए क्या हुआ था? ये साहब बुला के ले गया 7 तारीख की, मारा पी गए थे और बाद में सब मिल के जाए दे दिया थे जबरदस्ती कमरे में बंद कर। तो आपको कब सूचना मिली? जब वो जहर देने के बाद में निकल गए घर से, लड़की को दर्द हुआ तो उसने मुझे फ़ोन करा, उसके बावजूद वो तो भाग गए घर से, जो आज पड़ोस के परिवार के जो भी हों वो लेकर अस्पताल में पहुँचे। फिर क्या हुआ? फिर हम पहुँचे अस्पताल तो उन्होंने यहाँ के लिए रेफर कर दिया मुरादाबाद के लिए। कितने साल हो गए बेटी की शादी को? क्या कोई डिमांड करते? 2022 मई में हुई है। अच्छा, कोई डिमांड करते? डिमांड भी करते थे साहब। आपको क्या लगता है? ये तो एक सोची समझी शादी थी उनकी जहर मारने की। मतलब मारना क्यों चाह रहे थे, क्या बोल रहे हैं? अब ये तो साहब वही लोग बताऊंगे क्यों मारना चाह रहे थे। क्या दहेज भाई इसकी कोई डिमांड करते थे? दहेज की डिमांड थी, आप दहेज भी काफ़ी दिया था लेकिन फिर भी बोले और दो। हमने कहाँ से दो। कितने दिन हो गए शादी? 8 मई को हुई थी इसमें 2022 में।